अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल रियलिटी जी। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद अजीब चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो इससे पहले आपको नहीं पता होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो नंबर पर बात करते हैं ग्लोकस अटलांटिकस की। ये स्पीशीज अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर पाया जाता है जिसे वहाँ के मकामी लोग नीला फरिश्ता कहते हैं। यह गोश्तखोर होती हैं और दीगर जहरीली समंदरी मखलूकात का शिकार करती हैं। ये अपने शिकार से जहर इकट्ठा करती हैं और अपने जिस्म में स्टोर कर लेती हैं और फिर बाद में यह जहर अपने शिकार पर इस्तेमाल करती हैं। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है डेनाकल डिप्रेशन। ये एक जगह का नाम है। इसका शुमार दुनिया की अजीब तरीन जगहों में किया जाता है। डेनाकल डिप्रेशन नामी जगह अफार ट्रायंगल में मौजूद है। डेनाकल डिप्रेशन में मौजूद जहरीली गैसें इसके आसपास के खेतों को नुकसान पहुँचाती हैं और इलाके के बहुत सारे तालाबों को भी गंदा कर रही हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं रोमन कैथोलिक चर्च की जो कि जिप्पा कोयरा में वाक़ है। इस चर्च की खास बात यह है कि कस्बे की सतह से 180 मीटर यानी 590 फुट नीचे वाक़ है और यह मुकम्मल तौर पर नमक से बना हुआ है और इस चर्च में एक वक्त में 10,000 बंदे जा सकते हैं। टार डिग्रेड से पानी का रिच भी कहा जाता है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत रखता है। स्मिथसोनियन मैगजीन के मुताबिक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम से कम -200 डिग्री सेंटीग्रेड में और ज़्यादा से ज़्यादा 149 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे माहौल में जिंदा रह सकता है। साइंसदानों ने यह भी कहा है कि टार डिग्रेड ना सिर्फ एटमी जंग के बाद वाली रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है बल्कि समंदर के सबसे गहरे तरीन हिस्से और खला में भी सरवाइव कर सकता है। गोबलिन शार्क गहरी समंदरी शार्क की एक नायाब नस्ल है जिसे बाज़ोकात लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। गोबलिन शार्क अपने मशहूर लंबे जबड़ों के लिए काबिल जिक्र है जो पील जैसे दांतों से भरे हुए हैं। ये इस काबिल होती हैं कि अपने शिकार से निकलने वाली वेव्स को डिटेक्ट कर सकती हैं और अपने लंबे जबड़ों से उन्हें पकड़ सकती हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।